नमस्कार, मैं मुकेश आज़ाद, भारत स्काउट गाइड जिला प्रशिक्षक। आज लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। 31 मई तक सभी बाल भारती विद्यालय नौगछिया भागलपुर के जो भी स्काउट गाइड मेरी बात को सुन पा रहे हैं, वो ध्यान दें कि आज लॉकडाउन का पालन करते हुए आप अपने घर में रहें, हाथ की सफाई करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ वाले जगह पर ना जाएं, जहां तहां आप ना जाएं, खासकर अपने बच्चों को बता दूं कि स्काउट गाइड से संबंधित आप जितना भी पढ़े हैं उसको देखें। जो भी खास करके आज़ाद स्काउट एंड गाइड में बहुत सारा प्रशिक्षण दिया गया है जो आपको काम करेगा। तृतीय सोपान, द्वितीय सोपान का सिलेबस है, आप उसको देखें। और बता दें कि आपको दो प्रोजेक्ट पर काम करना है। बाल भारती विद्यालय के तमाम स्काउट गाइड के बच्चे या बाल भारती के जो बच्चे अगर भाग नहीं भी लिए हैं स्काउट्स गाइड में, अगर आप प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इस प्रोजेक्ट का ही नाम है आंतरिक सेवा। और आंतरिक सेवा जो मन से अंतरात्मा से जो बात आती है, इसका शुभारंभ 5 मई 2020 को हुआ और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या करना है कि आपके छत पर पक्षियों के लिए आप पानी की व्यवस्था रखें, दो चार बर्तन ऐसा हो जिसमें जैसे मिट्टी का बर्तन हो, प्लास्टिक का बर्तन हो, या कोई ऐसा बर्तन जो कि उसका कोई इस्तेमाल हम लोग घर में नहीं कर रहे हों, तो वैसा बर्तन का भी आप इस्तेमाल करके उसमें आप कम से कम पानी सुबह में रख दें, ताकि और दिन में भी एक बार चेक कर ले, अगर समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को फिर से पानी वहाँ रख दें। सुबह और शाम पानी आप उसको भर के रखें ताकि पक्षियों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप खाना खाते हैं तो एक मुट्ठी कम से कम उस पशु पक्षियों के लिए भी निकाल दें अपने हिस्से का, बहुत अच्छा लगेगा। अगर अपने हिस्से का अगर किसी को खिलाते हैं इस लॉकडाउन में, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेवा करने का मौका मिलता है आपको। भारत स्काउट गाइड ही नहीं, जो आपके जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं दूसरों के लिए सेवा करने के लिए आपके अंदर तत्परता है, हमें मालूम है। इसीलिए आप इस पर ध्यान दें कि आप पशु पक्षियों को भोजन दें, पानी पिलाएं। दूसरा प्रोजेक्ट, आप कम से कम खास करके स्काउट गाइड के लिए के बच्चों के लिए है कि आप 10 मास्क तैयार करें खुद और उसका फोटो भेजें अपने स्कूल के शिक्षक के पास, जो विकास सर हैं उनके पास भेजें या डीपी सर के पास भेजें, और ये जिला भेजा जाएगा, ताकि आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सही तरीके से आप मास्क बना पा रहे हैं या नहीं। और ख़ास करके जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था आंतरिक सेवा, उस पर अगर आप पशु पक्षियों को जो खिला रहे हैं कैसा महसूस करते हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, अपना फ़ोटो चिपकाना है और मोबाइल के माध्यम से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर फ़ोटो खींचकर छोटा सा वीडियो बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या अपने शिक्षक के व्हाट्सएप पर भेजें और हम तक आ जाए। इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इस दो प्रोजेक्ट पर अभी काम करना है तत्काल। खास करके विद्यालय के जो मैनेजमेंट हैं,
जैसे हमारे आदरणीय अजय सर, पवन बाबू, बालकृष्ण बाबू और भी जो हमारे सचिव महोदय हैं, कोषाध्यक्ष महोदय हैं, जो भी मैनेजमेंट है, हमारे प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट डीपी सर, मैनेजमेंट सर, विकास सर, विद्यालय के तमाम शिक्षक मैडम सबको मेरा कोटि कोटि नमन धन्यवाद कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें और अपने घर में भी अपने बच्चों को बताएं। धन्यवाद। मैं मुकेश अजब।